everyone, welcome to Current Crunch। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं कि इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशोलॉजी। करंटली हम अपना थिंकर्स पोर्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टेट पीएससी, यूपीएससी या आपका नेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स कवर हो गया है। अब हम दुर्खेम को इन डेप्थ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एमाइल दुर्खेम। तो मेरा फ्लू अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो अभी भी आपको मेरी आवाज़ के साथ थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दुर्खेम, ठीक है, इनके ये कॉन्सेप्ट हम इसमें कवर करेंगे। तो पहले थोड़ा दुर्खेम के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, और जो अर्ली फाउंडिंग फादर्स का जिक्र आता है सोशोलॉजी में, उनके साथ आप दुर्खेम का जिक्र भी करते हो, ठीक है। पहले प्रोफेसर है, रह चुके हैं सोशोलॉजी के यूनिवर्सिटी में, और ये बिलोंग करते हैं फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन को इन सोशोलॉजी, अलॉन्ग विद स्पेंसर एंड कॉम्ट। इनका नाम भी फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन के साथ लिया जाता है, इनका नाम भी। तो आपको पता होगा फंक्शनलिस्ट क्या होता है, ये मैंने आपको इन डिटेल जो है हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। दुर्खेम ने सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को अलग किया एक थियोलॉजी और फिलॉसफी से, ठीक है। इन्होंने एक प्योर साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की, और इन्होंने आपको ये भी बताया कि साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने के लिए जो सब्जेक्ट मैटर होता है सोशोलॉजी का, जो सोशोलॉजी पढ़नी चाहिए आपको, वो किस तरीके से पढ़नी है, फाइन। तो ही गिव डिस्टिंक्ट सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इन द फील्ड ऑफ फंक्शनल एनालिसिस फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे इनको क्रेडिट किया जाता है, पहली बार इन्होंने डिस्टिंक्टिव सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी, जिसमें इन्हें एक्सप्लेन किया कि सब्जेक्ट मैटर को कैसे आप साइंटिफिकली पढ़ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने मैक्रो सोशोलॉजिस्ट बोल सकते हो, मैक्रो व्यू दिया सोसाइटी का। और इनका कोट जो काफ़ी फेमस है, सोसाइटी हैज़ अ रियलिटी ऑफ इट्स ओन ओवर एंड अबव द इंडिविजुअल्स हु कंप्राइज इट। ये सोसाइटी को स्यू जेनरस कहते हैं। दैट मीन्स इसकी अपनी एक इंडिपेंडेंस है, दैट इज इंडिपेंडेंट, इसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जो आपके होने या ना होने के इससे इंडिपेंडेंट है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर एग्जिस्टेंस। वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिविजुअल्स सोसाइटी में एग्जिस्ट करेंगे, ये इंडिविजुअल्स हैं तो ही सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी, नहीं। सोसाइटी की अपनी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस है, अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, चाहे आप उसमें रहो या ना रहो, जो सोसाइटी है वो एज इट इज सोसाइटी वहीं प्रेजेंट रहेगी, फाइन। तो इसकी एक अपनी रियलिटी है सोसाइटी की, और ये आप पे डिपेंड नहीं करती है, ये इनका कहना था सोसाइटी को लेके। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी, इनको फादर ऑफ सोशोलॉजी भी बोला जाता है कुछ रीजंस की वजह से। उन्होंने डिफाइन किया सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी को, और अटेम्प्ट किया डेवलप करने के लिए साइंस ऑफ सोसाइटी। वो कैसे इन्होंने अटेम्प्ट किया, इन्होंने कहा जो सब्जेक्ट मैटर है सोशोलॉजी का, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, जो आप सोशोलॉजी में पढ़ते हो, ठीक है, वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसको आप स्टडी करो इन टर्म्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। वो सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कॉजल फंक्शनल थियोरीज के रूप में, दैट मीन्स कोई कॉज और इफेक्ट होगा, ठीक है। आप ऐसी आर्बिट्री बातें नहीं कर सकते हो, कोई आप जस्ट कोई मिथ या मिस्टिकल एक्सप्लेनेशंस नहीं दे सकते हो, आपको कॉज एंड इफेक्ट फॉर्म में चीज़ें एक्सप्लेन करनी होंगी। कॉज इफेक्ट हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप वाटर बॉयल कर रहे हैं, तो हीट आप दे रहे हैं वाटर को, इस बर्नर में इस बीकर में वाटर है, आपने इसको हीट दिया, तो हीट कॉज आ गया, इसका इफेक्ट क्या हो गया, वाटर बॉयल होना शुरू हो गया, वो इसका इफेक्ट है। तो बिल्कुल एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, जो भी आप किसी चीज़ की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करते हो, उसको कॉज एंड इफेक्ट फॉर्म में आप एक्सप्लेन आराम से कर सकते हैं। तो इनका ये बोलना था सोशोलॉजी को जब आप सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, सोशोलॉजी की चीज़ें डिस्कस करते हैं, उनको भी कॉजल फंक्शनल अप्रोच यूज़ करें, कॉज एंड इफेक्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करें। और इन्होंने जो अपनी थियोरी ऑफ स्टडी, सुसाइड और थियोरी ऑफ रिलीजन दी थी, और उसमें इन्होंने कॉज एंड इफेक्ट का पूरा जो है वो यूज किया था, ठीक है। ये पहले आगे चलते हैं। उन्होंने डेवलप किया साइंटिफिक मेथड स्पेसिफिक टू सोशियोलॉजी, ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो। उन्होंने यूज़ किया मेथड ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, जिसमें आप बोलते हो एक चीज़ की एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट जो है वो देखना चाहते हो, अगर आप परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे उसमें, आप सिर्फ स्कूल एक वेरिएबल नहीं होगा उसमें। अगर आप स्कूल देखोगे, ठीक है, आप स्कूल आवर्स जो है वो आपके लिए एक वेरिएबल बनता है, आप स्लीपिंग शेड्यूल बच्चे का देखोगे, आप स्कूल का करिकुलम देखोगे, आप एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल की देखोगे। ये ओवरऑल इतने सारे वेरिएबल्स का एनालिसिस करने के बाद यू विल गेट टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। तो ये था मल्टीवेरिएट एनालिसिस जिनको इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ सुसाइड में यूज़ किया। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इन्होंने आपको स्पेसिफिक मेथड दिए जो आप यूज़ कर सकते, साइंटिफिक मेथड जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी थ्योरी ऑफ सोसाइटी में, ठीक है, थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी में। एक बार इसको रब कर लेते हैं, आगे चलते हैं। He established the first ever department of sociology in Europe and was the first professor of sociology, ठीक है। तो आज का मेन टॉपिक जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है सोशल फैक्ट्स। पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ सोशल फैक्ट्स के बारे में, ये क्या होते हैं, उसके बाद वी विल गो थ्रू द बुक, फिर आपको समझना जो है वो ईजी हो जाएगा। देखो सोशल फैक्ट्स उन्होंने कहा था जो भी आप सोसाइटी में चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी में है, जिनके लिए आपको सोसाइटी का जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल वो क्या हो सकती है, रिलीजन, मैरिज, कुछ भी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, या कोई भी बेसिक सी चीज़ जैसे सुसाइड जो इन्होंने स्टडी किया था। इन सब को चीज़ आप ट्रीट करो एज सोशल फैक्ट। जैसे साइंस में या साइंटिफिक या नेचुरल वर्ल्ड में, नेचर में आपके पास नेचुरल फैक्ट्स होते हैं, जैसे आपका ग्रेविटी है या आपके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है। जैसे आप इनको स्टडी करते हो वैसे ही आप सोशल फैक्ट्स को स्टडी करो, ठीक है। अगर आप सोशल फैक्ट्स को पढ़ना शुरू करोगे तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव स्टडी करना इजी हो जाएगा, साइंटिफिक स्टडी करना इजी हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जिनमें आपका अपना सब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं आ सकती है, उनको आप ऑब्जेक्टिव कैसे रख सकते हो, उसलिए इन्होंने कुछ रूल्स दिए थे कि आपको इन सोशल फैक्ट्स को कैसे पढ़ना चाहिए, कि सोशल फैक्ट्स के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपको कैसे इनको ट्रीट करना चाहिए। अगर आप सोशल फैक्ट्स को, फॉर एग्जांपल रिलीजन को वैसे ट्रीट करोगे जैसे दुर्खेम ने कहा था सोशल फैक्ट्स को ट्रीट करो, तो आपके लिए इसको समझना काफ़ी और इस पे रिसर्च करना काफ़ी इजी और साइंटिफिक हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी बात प्रूव करने के लिए कि आप कैसे साइंटिफिकली सोसाइटी को स्टडी कर सकते हैं, इन्होंने कहा सब्जेक्ट मैटर को ट्रीट करो। सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजी का, सोशल फैक्ट। सोसाइटी में आप जो भी सोशल फैक्ट्स में पढ़ो और वो कैसे कर सकते हो, सोशल फैक्ट्स समझ कैसे पढ़ सकते हो, उसके लिए उन्हें कुछ रूल्स बताए थे, ठीक है, जो हम इसमें पढ़ेंगे। और एक बात इन्होंने कहा था जैसे यूनिवर्सल लॉज होते हैं, कुछ यूनिवर्सल लॉज जैसे आपका ग्रेविटेशन के लॉज हैं या आपका न्यूटन के लॉज हैं। ये यूनिवर्सल लॉज जो है ये चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ, ये सेम रहेंगे, ठीक है। और इसको यूनिवर्सल कौन बनाता है, कुछ फैक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन एक फैक्ट है, उसी बेसिस पे उसके लॉज बने हैं। या अगर न्यूटन की बात करें तो इसमें फोर्स की बात आती है, न्यूटन लॉज में मोशन की बात आती है। तो ये फोर्स मोशन जो है ये एक नेचुरल फैक्ट है जो जिसको आप चेंज नहीं, ऑल्टर नहीं कर सकते, वो आपको एज इट इज समझना है। तो उन्हीं के बेसिस पे आप कुछ यूनिवर्सल लॉज बना सकते हो। जैसे ये नेचुरल फैक्ट्स है, सिमिलरली आप सोशल फैक्ट्स को भी ट्रीट करो। जब आप इनको एज नेचुरल फैक्ट्स ट्रीट करोगे तो आप जनरल थ्योरीज बना सकते हो अपनी सोसाइटी के लिए। तो ये अगेन रिप्रेजेंट करता है इनका एक मैक्रोवेव सोसाइटी को समझने का, क्योंकि ये एक मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट थे। तो देखते हैं बुक में और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ये was highly influenced by the approach of natural scientists and inspired by that, ठीक है। उन्होंने कहा सोसाइटी को अंडरस्टैंड करो इन टर्म्स ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज। वो कैसे, वो मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्सल लॉज जो है वो सोल्यूशन है टू द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी को आप समझते हो, आपको उनकी प्रॉब्लम्स का एक जो केओस मचा हुआ है सोसाइटी में उसका सोल्यूशन डिराइव करने के लिए आपको कुछ यूनिवर्सल सोशल लॉज जो है वो डिस्कवर करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट है वो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ताकि एक साइंटिफिक फाउंडेशन जो डिसिप्लिन का है वो बन सके। और सोशल फैक्ट को विजुअलाइज किया था एज एकिन टू नेचुरल फैक्ट्स, वो भी मैंने आपको बताया कैसे। तो ये चीज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जैसे स्यूसन जोन्स ने अपनी राइटिंग व्हाट डज दुर्खेम मीन बाय थिंग में कहा था कि क्रूशल है सेपरेट करने के लिए न्यू डिसिप्लिन को फ्रॉम फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स, क्योंकि इसमें इन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच यूज़ किया है, साइंटिफिक बात की है, मेनली कोई मेजरली थियोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल बातें नहीं हुई हैं, वैसी बातें जिनको आप प्रूव कर सको, वो बातें उन्होंने सोशल फैक्ट्स के जरिए से आपको बताई थी। टू डिस्कवर सच यूनिवर्सल लॉज, पहला प्री कंडीशन है कि कुछ एग्जिस्ट करने चाहिए सोशल फैक्ट इन सोसाइटी, जैसे नेचुरल फैक्ट्स होते हैं नेचुरल वर्ल्ड में। जैसे मैंने आपको ग्रेविटेशन या न्यूटन की बात बताई, वो यूनिवर्सल लॉज क्यों डिराइव कर पाए, क्योंकि कुछ नेचुरल फैक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपका ग्रेविटेशन है या मोशन फोर्स है, ये फैक्ट है, फिर उनके बेसिस पर लॉज बने। वैसे ही सोसाइटी की कुछ चीज़ें फैक्चुअल हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, उनको आप एज फैक्ट्स ट्रीट करो और उनके बेसिस पे फिर आप जनरल थियोरीज जो है वो डिराइव कर सकते हो। अपने पहले मेजर वर्क मॉन्टेस्क्यू एंड रोस्यो में इन्होंने कुछ जनरल कंडीशंस लिखी थी फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए साइंस ऑफ सोसाइटी। तो उसके लिए क्या कंडीशन थी साइंस ऑफ सोसाइटी इस्टेब्लिश करने के लिए, कि ये जो सोशल साइंस है इट शुड डील विद अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एंड नॉट द टोटल नॉलेज दैट इज अराउंड। दैट मीन्स जनरली बस इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, आपको कोई रेलेवेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर जो है उसके साथ आप डील करने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द जनरल टाइप्स रादर देन डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल टाइप्स। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप रिलीजन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो जनरली हर रिलीजन में क्या होता है, कोई प्रेयर होती है, चैंटिंग होती है मंत्रास की, ठीक है, या चर्च टेम्पल, ये सारी चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट होता है, रिलीजन से रिलेटेड कुछ फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो हर रिलीजन में होती है। अब आप इंडिविजुअल नहीं बोलो, नहीं मेरे रिलीजन में ये चैंटिंग होती है, हिंदुइज्म में ये होती है, मुस्लिम्स जो हैं वो ये नमाज पढ़ते हैं, हिंदूज जो हैं वो मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, या हमारा टेक्स्ट ये कहता है, उनका टेक्स्ट ये कहता है। अगर आप इस चीज़ में जाओगे तो आप इंडिविजुअल टाइप्स को डिस्क्राइब कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा आप जनरल टाइप्स आइडेंटिफाई करो कि जनरल क्या चीज़ें हैं। जैसे कुछ जनरल चीज़ें हैं दैट इज़ ट्रू, दैट स्टैंड्स ट्रू फॉर एवरी रिलीजन। इफ़ यू विल कंसिडर दीज थिंग्स यू विल गेट टू नो कि जो रिलीजन है वो कैन बी ट्रीटेड एज अ सोशल फैक्ट। हैव अ डेफिनेट एंड ऑब्जर्वेबल फील्ड टू एक्सप्लोर एंड इट शुड स्टडी ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिवली आप कैसे पढ़ सकते हो, अगेन उसको ट्रीट करके एज सोशल फैक्ट, जिसके कुछ रूल्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। यील्ड करो जनरल प्रिंसिपल और लॉज, ठीक है, और यूज मेथड सिमिलर टू नेचुरल साइंस। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू कैन ट्रीट सोशल साइंस और यू कैन इस्टेब्लिश द साइंस ऑफ सोसाइटी। और ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें सोशियोलॉजी में बताई। ठीक है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर दिया सोशल फैक्ट्स के रूप में। जनरल टाइप्स को आइडेंटिफाई करो रादर देन इंडिविजुअल टाइप्स, ये भी उन्होंने हमें कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया सोशल फैक्ट्स के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को स्टडी करो, ये चीज़ भी बताई। जनरल लॉज प्रिंसिपल जो है डिराइव करो, ये भी सोशल फैक्ट में बताया। और मेथड यूज़ करो सिमिलर टू नेचुरल साइंस, जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने हमें सोशियोलॉजी में बताई। और यही सारी चीज़ें जो है एक साइंस को, साइंस ऑफ सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश करती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। उन्हें फर्दर क्लैरिफाई किया स्कोप एंड मेथडोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी अपनी बुक में, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने डेफिनेशन भी दी सोशल फैक्ट्स की। आप यू कैन गो थ्रू दिस डेफिनेशन। सोशल फैक्ट्स आर वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग which are external to the individual and have the endowed with the power of coercion by reason of which they can control of him. पहली चीज़ क्या हो गई, ये external है, ये they have the power of coercion, that means ये आप पे कुछ constraint, कुछ restrictions put कर सकती हैं और accordingly वो आपको control करते हैं। ठीक है, ये इन्होंने डेफिनेशन बताई सोशल फैक्ट्स की। उन्होंने कहा सोशल फैक्ट जो है एज दोज फिनोमेना विच एग्जिस्ट आउटसाइड द इंडिविजुअल एज ए फोर्स विच कोर्स द इंडिविजुअल टू थिंक, एक्ट एंड फील इन ए पर्टिकुलर वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैरिज को ए सोशल फैक्ट ट्रीट करो तो मैरिज को आप स्टडी करो एज ए फिनोमेना एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल, दैट मीन्स आप क्या सोचते हो शादी के बारे में, शादी एक एज एन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप्स जो है दे आर ऑल्सो ऑन राइज, तो क्या आपका क्या पर्सपेक्टिव है मैरिज को लेके, वो इससे यहाँ मैटर नहीं करता है. यू हैव टू ट्रीट मैरिज एज एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल, विच मीन्स आप इसको एक सेपरेट चीज़ खुद से सेपरेट करके इसको स्टडी करो. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, अब आप इस मैरिज में हो तो ये आप पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, जैसे ये काफ़ी हद तक एडल्ट्री को रोकता है, ठीक है, चीटिंग को रोकता है, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते, ये आप पे कुछ रेगुलेशंस पुट करता है, एंड अकॉर्डिंगली यू थिंक एक्ट एंड फील इन अ पर्टिकुलर मैनर. अब अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो चीटिंग की तरफ जाता है, जो कि अगर आप शादीशुदा नहीं है, यू आर नॉट कमिटेड, तो आपको ये चीज़ शायद आप लाइटली ले, बट वंस यू आर इन टू दिस इंस्टीट्यूशन यू विल एक्ट, थिंक एंड फील इन अ पर्टिकुलर मैनर कि नहीं ये चीज़ गलत है. ठीक है, आपको वो कॉन्शियंस जो है आपका वो हमेशा आपको ये कहता रहेगा. तो यही इसका मतलब है कि इट मेक्स यू थिंक एक्ट एंड फील इन अ पर्टिकुलर मैनर. ठीक है, तो टास्क है सोशियोलॉजी का इज टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी उन सोशल फिनोमेना को या उन सोशल फैक्ट्स को. अब सोशल फैक्ट्स को समझने के लिए उन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए. पहला एक्सटर्नलिटी, ये मैंने एक्सप्लेन किया, सीन अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, जैसे मैंने अभी आपको मैरिज की एग्जांपल दी, दे आर स्यू जेनरस, जैसे उन्होंने कहा था सोसाइटी स्यू जेनरस है, दैट मीन्स उनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है अपार्ट फ्रॉम दी सोसाइटी, वो एग्जिस्ट करते हैं ऑन देयर ओन. कंस्ट्रेनिंग, अगेन आप पे कुछ रेगुलेशंस पुट की जाती हैं. generalized, they are general in nature and must not be confused with the individual interpretations or the individual fact. अगेन जो मैंने आपको रिलीजन की एग्जाम्पल बताई थी, जैसे अगर आप रिलीजन स्टडी कर रहे हो तो आप स्टडी करो रिलीजन को एज जनरल, रिलीजन क्या है, ठीक है, जैसे चर्च है, टेक्स्ट है, प्रेयर है, चैंटिंग है, आप इसमें इंडिविजुअल नहीं घुसो कि मेरे रिलीजन में ये है, मेरे रिलीजन में ये नहीं है, नहीं, यू डोंट हैव टू कंसिडर दोज थिंग्स, यू ओनली हैव टू सी द जनरल पिक्चर ऑफ रिलीजन. तब ये क्वालिफाई होगा इसको स्टडी करना एज अ सोशल फैक्ट जनरल तरीके से. और इंडिपेंडेंट, कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द विल ऑफ द इंडिविजुअल इररेस्पेक्टिव ऑफ योर थिंकिंग रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. व्हेन यू स्टडी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यू हैव टू सी इट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ योर विल. आप क्या समझते हो, क्या सोचते हो, वो मैटर नहीं करता, आपको मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन पढ़ना है जो आपसे इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो एक्सटर्नल, तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को सोशल फैक्ट, अगर आप रिलीजन को है सोशल फैक्ट पढ़ रहे हो या मैरिज को सोशल फैक्ट पढ़ रहे हो, आपको दिमाग में क्या रखना है कि वो चीज़ एक्सटर्नल होनी चाहिए, वो चीज़ आपको रेगुलेट करेगी, कंस्ट्रेंट्स पुट करेगी, आपको जनरली उस चीज़ को समझना है, क्योंकि हम अगर वर्ल्ड को या हम किसी एक सोसाइटी को समझ रहे हैं, उस सोसाइटी में आपको बेशुमार कल्चर्स मिलेंगे. ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल कल्चर को नहीं समझना है, आपको एक जनरलाइज पिक्चर समझनी है और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑफ योर विल. आप उस कल्चर के बारे में क्या सोचते हो वो चीज़ मैटर नहीं करती है, आपको उस कल्चर को जैसे वो कल्चर है वैसे समझना है, वैसे उस पर रिसर्च करनी है, अपना जो आपका सब्जेक्टिव उसमें फीलिंग है वो आपको अलग रखनी है. तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप नेट कोई भी एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट, एक्सटर्नल, कंस्ट्रेनिंग, जनरल एंड इंडिपेंडेंस, ECGI करके याद रख सकते हो. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल फैक्ट्स के. अगर आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि उसको एक्सटर्नली देखो, वो कंस्ट्रेंट पुट करता है, उसको जनरल पिक्चर समझो, इंडिपेंडेंट रखो अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग से, ठीक है, ये चीज़ें अगर आप देखो तो आप किसी भी चीज़ को एज सोशल फैक्ट जो है वो समझ सकते हो. और इसमें क्या देखो, ये सारी चीज़ें क्या है, ही इज़ ट्राइंग टू मेक सोशियोलॉजी अ साइंस, ठीक है, ही इज़ ट्राइंग टू गिव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू स्टडी सोसाइटी, हाउ टू स्टडी व्हाट इज़ बेसिकली सोशियोलॉजी, व्हाट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, वो आपको इन सब चीज़ों से एक्सप्लेन कर रहे हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स से. तो दुर्खेम ने क्या किया था, ही केप्ट सोशल फैक्ट्स अबव इंडिविजुअल, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जाती है, सोशल फैक्ट्स को अबव इंडिविजुअल रखा क्योंकि इन्होंने कहा ये स्यू जेनरस है, ठीक है, क्योंकि आपके इंडिविजुअल विल यहाँ पे या आपका इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस यहाँ पे मैटर नहीं करता है. उन्होंने कहा सोशल फैक्ट्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना नहीं है, उनको आप विजुअलाइज कर सकते हो एज ऑब्जेक्टिव रियलिटी. अब देखो ये समझने के लिए आपको ये देखना होगा, उन्होंने ये चीज़ वो समझते थे कि आप जो इसमें पढ़ रहे हो बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं. रिलीजन जो है आप कोई टैंजिबल चीज़ नहीं है, रिलीजन को उठा के आप अपने घर में लेके आओ या रिलीजन को आप टच करो, रिलीजन को आप देखो नहीं, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना है। तो वो ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इनको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, फाइन। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। तो इस चीज़ का उन्हें सोल्यूशन दिया था, उन्होंने कहा, दुर्खेम ने कहा था कि दो ब्रॉड टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स होते हैं, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। मटेरियल हो गया जैसे आपका आर्किटेक्चर, फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, डिवीजन ऑफ लेबर, लीगल कोड्स वगैरह, और नॉन मटेरियल हो गए कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मॉरलिटी, कलेक्टिव कंसाइन, सोशल करंट्स वगैरह, ये सारा आपका नॉन मटेरियल है। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन नॉन मटेरियल। तो उनका ये कहना था कि पहले जो आप कैसे समझो सोसाइटी को, आप फोकस करो मटेरियल सोशल फैक्ट्स पे। देखो मटेरियल सोशल फैक्ट्स हैं जैसे आपके आप जो चीज़ आप देख सको, ठीक है, जो चीज़ टैंजिबल होगी। अगर आप टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी देखोगे, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज को समझोगे, तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी का जो डिविजन है उसको समझ पाओगे, सोसाइटी में जो इकोनॉमिक डिविजन है उसको समझ पाओगे, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को समझ पाओगे। तो ये आपका नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट आ गया अगर इकोनॉमिक सोशल इनइक्वालिटी है, और ये जो फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी है ये आपका मटेरियल सोशल फैक्ट है। तो उन्होंने कहा कि ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट एब्स्ट्रैक्ट है, उसको आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते। तो इसका सोल्यूशन उन्होंने दिया था कि पहले आप इनडायरेक्टली उसको पढ़ो। कैसे पढ़ो? पहले आप मटेरियल सोशल फैक्ट्स को समझो। मटेरियल सोशल फैक्ट्स जो है वो एम्पेरिकल है, आपको दिखेंगे, आपको आराम से उनको, वो एम्पेरिकली एक्सेसिबल है, आप उनको आराम से समझ पाओगे। उनको समझ, जब आप उनको समझ जाओगे तो आपके लिए नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट को समझना ईजी हो जाएगा, ठीक है। सोशोलॉजिस्ट यूजली बिगिन अ स्टडी बाय फोकसिंग ऑन मटेरियल सोशल फैक्ट्स विच आर एम्पेरिकली एक्सेसिबल और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स, ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होते हैं, हेंस डिफिकल्ट टू ग्रास्प, और वो आप उनको डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, दे कैन बी स्टडीड इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ मटेरियल सोशल फैक्ट्स, ठीक है। तो सोशल फैक्ट्स को कैसे समझना है वो चीज़ भी इन्होंने खुद एक्सप्लेन करी हुई है। आगे देखते हैं, इन्होंने काफ़ी एक अच्छी बात बताई थी, कहा गया देयर आर टू वेज टू एक्सप्लेन सोशल फैक्ट्स। पहला हो गया डिटरमिन द कॉज ऑफ सोशल फैक्ट। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आप उसका कॉज बताते हैं, वो कॉज एक दूसरा सोशल फैक्ट होना चाहिए, ना कि कोई इंडिविजुअल बात या इंडिविजुअल विल, उस पर वो लाई नहीं करता है। फॉर एग्जांपल देखो सोशल सुसाइड जैसे है, ठीक है। तो सुसाइड काफ़ी एक आप अगर आप सुसाइड को स्टडी करने जाओ तो आप साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने कहा था सिर्फ वो चीज़ जिसको आप सोशल फैक्ट मान सको, समझ सको, जो एक्सटर्नल हो, जनरल हो, इंडिपेंडेंट हो, कंस्ट्रेनिंग हो, ऐसा सोशल फैक्ट जो है वही कॉज होना चाहिए आपके सोशल फैक्ट का। फॉर एग्जाम्पल ने सुसाइड स्टडी किया तो उसका कॉज उन्हें पॉपुलेशन, ज्योग्राफी वगैरह ये सारी चीज़ें बताई, उसका कॉज उन्होंने इंडिविजुअल विल ऐसा सब कुछ नहीं बताया था, ठीक है। तो इनका मानना था सोशल फैक्ट के कॉज को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी, सोशल फैक्ट का कॉज बेसिकली दूसरा सोशल फैक्ट होता है। अगर आप ऐसे ट्रीट करोगे तो आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्टिव चीज़ से आप इसको दूर रख सकोगे, सोशियोलॉजी को, और इसको आप ऑब्जेक्टिवली समझ पाओगे। Cause of suicide does not lie in individual's will, but should be explored through various other social facts like population, integration, social order. ये चीज़ें इन्होंने समझी थी, एक्सप्लेन की थी cause of suicide को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कैसे एक साइकोलॉजी रिलेटेड चीज़, आपका विल, सब्जेक्टिव फीलिंग, उसको आप दूर रख सकते हो सोशियोलॉजी से, ये आपको यहाँ पे पता चलता है। दूसरा हो गया डिटर्मिन करो फंक्शंस ऑफ सोशल फैक्ट, क्योंकि हर फंक्शन जो सोशल फैक्ट है उसका कोई फंक्शनल प्री रिक्विजिट होता है, जैसे रिलीजन का यूनिटी, सॉलिडारिटी वगैरह है, ठीक है। तो कुछ रूल्स इन्होंने बताए थे, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इनकी बुक में एक्सप्लेन किया था। एज ए पार्ट ऑफ दुर्खेम्स बिड टू एस्टैब्लिश अ डिस्टिंक्ट मेथडोलॉजी इन सोशियोलॉजी, वो रूल्स क्या थे? रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि सोशल फैक्ट शुड बी स्टडीड एज थिंग्स, ठीक है, आप उसको एज कंक्रीट थिंग जो है ट्रीट करो, फाइन, आप उसमें अपनी कोई फीलिंग्स वगैरह उसमें इंसर्ट नहीं करोगे। ऑल तो ये चीज़ें आपको एब्स्ट्रैक्ट पता है, दे सीम एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन हर सोशल फैक्ट की कुछ रिप्रेजेंटेशंस होती हैं विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द सोशल फैक्ट्स। इट इज़ थ्रू दीज मैनिफेस्टेशन दैट सोशल फैक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज थिंग्स। अब इन्होंने कहा रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की सोशल फैक्ट को आप स्टडी करो एज थिंग्स, जो कि समझते थे ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, इसलिए इन्होंने कहा था कि हर सोशल फैक्ट की कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है, इन्हीं रिप्रेजेंटेशन से आप क्या कर सकते हो, उन्हीं रिप्रेजेंटेशन को समझ के आप सोशल फैक्ट का थिंग ट्रीट कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं रिलीजन की। रिलीजन की बार बार इसलिए लेती हूँ क्योंकि आप ये चीज़ आराम से समझ पाओगे। देखो रिलीजन सोशल फैक्ट है, ठीक है, अब इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, प्रेयर है, टेक्स्ट है, चर्च या टेम्पल मॉस्क वगैरह है, ये रिप्रेजेंटेशंस हैं इसकी। तो ये सारी चीज़ों को तो आप स्टडी कर सकते हो ना, चैंटिंग वगैरह, ठीक है, टेक्स्ट, चर्च, ये इस सब चीज़ों की रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो आप इन चीज़ों को एज फैक्ट समझो। जब आप इन चीज़ों को समझोगे तो आप रिलीजन को एज सोशल फैक्ट ट्रीट कर पाओगे। अगर आप रिलीजन में ये लाओगे, अच्छा ठीक है कम्युनलिज्म है कि नहीं, एक्सट्रीमिज्म क्या है रिलीजन में, ठीक है, आप रिलीजन को क्या समझते हो, आप एथिज्म पे बिलीव करते हो या रिलीजन पे बिलीव करते हो, आपका बिलीफ क्या है, सेक्रेड क्या है, वो सारी चीज़ें, वो सेक्रेड प्रोफेन हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें आप अभी कंफ्यूज नहीं हो जाना, रिलीजन पे स्टिक करते हैं। कि अगर आप इसमें अपनी फीलिंग लाओ, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस लाओ इसमें, तो आप इसको एज सोशल फैक्ट नहीं समझ पाओगे। तो सोशल फैक्ट समझने का पहला रूल क्या है कि आप उसको एज थिंग ट्रीट करो। वो थिंग कैसे आप ट्रीट कर सकते हो, सोशल फैक्ट की कुछ रिप्रेजेंटेशंस होंगी, जैसे मैंने आपको रिलीजन की रिप्रेजेंटेशंस बताई, इन्हीं रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू आप रिलीजन को एज थिंग समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर। रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ इन्होंने क्लासिफाई किया था सोशल फैक्ट के डिफरेंट टाइप्स एज स्ट्रक्चरल, ये वो फैक्ट हैं जो दे गिव पर्टिकुलर सोसाइटी इट्स अपीयरेंस, लाइक उसका लीगल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है। इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए हैं बाय द पीपल, लोगों ने वो एक्सेप्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल रिलीजन वगैरह। नॉन इंस्टीट्यूशनल, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, इनको हम सोशल करंट्स भी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मॉब बिहेवियर, क्राउड बिहेवियर, ऑल्दो ये भी सोशल फैक्ट है लेकिन सोसाइटी में लोगों ने इसको एक्सेप्टेंस नहीं दी है। अब रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, देखो इन्होंने कहा सोशल फैक्ट जो है उसमें आपको डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल स्टेट में। ठीक है, देखो ये फंक्शनल्स थे ना, हाँ ये चीज़ तो हमें पता है। तो इनका मानना था कि थोड़ा बहुत चीज़ें जो हो रही हैं वो फंक्शनल है, पर वो एक दूसरे लेवल पे अगर चला जाए, क्राइम जो है कुछ थोड़ा फंक्शनल है सोसाइटी के लिए, क्योंकि वो आपको बताता है जब पनिशमेंट मिलती है तो बाकियों को पता चलता है कि हमें क्या चीज़ नहीं करनी है, तो इस वे में वो फंक्शनल है सोसाइटी के लिए। लेकिन जब वो क्राइम रेट बढ़ती जाती है तो वो सोसाइटी के लिए डिसफंक्शनल हो जाता है, और वो सोशल फैक्ट जो है एज एन क्राइम इन दिस एग्जाम्पल, वो फिर एक पैथोलॉजिकल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, सोशल फैक्ट्स कंसिडर्ड नॉर्मल जब वो प्रेजेंट होते हैं उनके जनरल फॉर्म में और फुलफिल करते हैं सब फंक्शंस फॉर सोसाइटी, जैसे क्राइम बाकियों को आगाह करता है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, अदरवाइज यू विल ऑल्सो मीट द सेम फेट। लेकिन वो डिसफंक्शनल बन जाते हैं इन देयर पैथोलॉजिकल स्टेट जब वो एक इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड अ सर्टन लेवल। ठीक है, रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए ही प्रिस्क्राइब्ड सर्टन रूल्स, जैसे इन्वेस्टिगेटर को कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी रखनी है, मेथड यूज बाय नेचुरल साइंस वही यूज़ करने हैं, जैसे मल्टीवेट एनालिसिस वगैरह जो मैंने आपको बताया, और क्वांटिटेटिव मेथड्स जो सोशोलॉजी के हमने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। और एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट मस्ट यील्ड जनरल थियोरीज, ठीक है, वो भी मैंने बताया वो कैसे होगा, जब आप नेचुरल फैक्ट की तरह सोशल फैक्ट्स भी लेके आओगे तो उन सोशल फैक्ट्स के बेसिस पे आप यूनिवर्सल थियोरीज जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका क्रिटिसिज्म, उससे पहले एक बार लेट्स गो थ्रू हमने आज क्या पढ़ा, सोशल फैक्ट्स, ठीक है, फिर साइंस ऑफ सोसाइटी बनाने के लिए कैसी चीज़ें हमें जो है सोशल साइंस को क्या क्या करना चाहिए, और इन्होंने सेम सोशियोलॉजी में बोला कि हम कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर सोशल फैक्ट की एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, वो क्या होता है, हाउ एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग इन ए सर्टन वे, ये एक्सप्लेन किया। उसके बाद सोशल फैक्ट को अंडरस्टूड करना है आपको बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है, ECGI, एक्सटर्नल, कंस्ट्रेनिंग, जनरलिटी एंड इंडिविजुअल, ये चीज़ भी एक्सप्लेन की। उसके बाद आ गया आपका डिस्टिंक्शन के, ऑल्दो ही ऑल्सो एक्नॉलेज कि डिफ़िकल्ट है, इंटेंजिबल है, इसलिए डिफ़िकल्ट है नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट को पहले ही ग्रेस्प करना, एंड ही वॉज मोर इंटरेस्टेड नॉन मटीरियल ओनली। तो पहले आपको मटीरियल सोशल फैक्ट जो है उनको समझना होगा, उससे आपकी नॉन मटीरियल अंडरस्टैंडिंग जो है सोशल फैक्ट्स की, इट विल बिकम ईजियर। ठीक है। फिर एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कॉज भी सोशल फैक्ट है और वो जो सोशल फैक्ट है उसके कुछ फंक्शंस हैं फॉर द स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। फिर कुछ रूल्स, कैसे हम किसी चीज़ को सोशल फैक्ट समझ सकते हैं। अगर आपको रिलीजन को सोशल फैक्ट समझना है तो कैसे समझ सकते हो, पहले उसको एज थिंग ट्रीट करो, उसके लिए जो उसके रिप्रेजेंटेशंस हैं पहले उनको समझो, जो रिलीजन की कुछ मैनिफेस्टेशंस होंगी जैसे चर्च टेक्स्ट वगैरह, उन चीज़ों को अगर आप समझोगे तो रिलीजन को एज थिंग ट्रीट कर सकोगे। फिर कुछ रूल्स दिए थे क्लासिफिकेशन के कि कैसे आप सोशल फैक्ट को क्लासिफाई कर सकोगे किन किन चीज़ों में। कुछ रूल्स हैं डिस्टिंक्शन के कि कुछ कोई भी सोशल फैक्ट हो, ठीक है, वो फंक्शनल है सोसाइटी के, लेकिन ऐसा हो सकता है बाद में वो डिसफंक्शनल भी हो जाए जब वो अपने पैथोलॉजिकल स्टेट में आता है, फॉर एग्जाम्पल क्राइम। कुछ रूल्स दिए थे एक्सप्लेनेशन के, सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ रूल्स दिमाग में रखने हैं, जैसे कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी जो है इन्वेस्टिगेटर रिसर्चर उसको ऑब्जर्व करनी होगी, वही मेथड्स यूज़ करने होंगे जो नेचुरल साइंस में यूज़ करते हैं। और उसको ये याद रखना होगा कि जो भी सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है वो बस फालतू में नहीं कर रहा है, बाद में इट शुड यील्ड सम जनरल थियोरीज। वो जो जनरल थियोरीज है वो प्रिवेंट करेंगे इलेजिटिमेट टेलियोलॉजी। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया क्या होता है, दोबारा बता देती हूँ। टेलियोलॉजी बेसिकली अगर आप कहीं भी देखो वो एक स्टडी है एक पर्पस का, जो आपको किसी भी चीज़ का पर्पस या गोल बताता है। अगर बायोलॉजी में देखो तो आप बोलोगे किसी ऑर्गन का क्या फंक्शन है, तो वो टेलियोलॉजी है, ठीक है। वो ऑर्गन उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उस ऑर्गेनिज्म के लिए क्या काम करता है, उसका क्या पर्पस है, दिस इज टेलियोलॉजी। अगर इलेजिटिमेट टेलियोलॉजी है दैट मीन्स वो इलीगल नहीं, वो गलत है। इन शॉर्ट, जैसे अगर आप बोलो नेचुरल डिजास्टर है, आप बोलो उसका पर्पस ये है या आपको उसका गोल क्या है, आपको समझाना कि कोई लोग गलत एक्टिविटी करें। जैसे रिलीजन पे बिलीव करने वाले लोग ये चीज़ बोलते हैं ना कि जैसे सोसाइटी में पाप बहुत बढ़ रहा है या लोग बहुत बुरे काम कर रहे हैं, इस वजह से इतने तूफान और सैलाब ये सारे फ्लड्स वगैरह इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि लोग इतना बुरा काम कर रहे हैं। तो रिलीजियस एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो, लेकिन साइंटिफिकली आप ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। साइंटिफिकली इलेजिटिमेट टेलियोलॉजी हो जाएगी। दैट मीन्स किसी चीज़ का पर्पस आप इलेजिटिमेटली डिस्कस कर रहे हो, इलेजिटिमेट रीज़न दे रहे हो, फालतू सा रीज़न दे रहे हो, जो रीज़न स्टैंड नहीं कर सकता है एक साइंटिफिक टेस्ट को, वो रीज़न आप दे रहे हो किसी चीज़ का पर्पस या गोल एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये सोशल फैक्ट हो गया। आप क्रिटिसिज्म, हीडलमैन ने कंसिडर किया था दुर्खेम is concerned about making of society rather than describing a methodology for it, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा सोसाइटी की मेकिंग पे ध्यान दिया था rather than describing कोई methodology इसको स्टडी करने के लिए। उनका emphasis जो था यूनिवर्सलिस्टिक और जनरल थियोरीज पे, और उसकी ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि मर्टन ने कहा था मिडिल रेंज थियोरीज होनी चाहिए, वो हम मर्टन में एक्सप्लेन करेंगे वो क्या होता है। स्टेफन ल्यूक ने क्या कहा था कि दुर्खेम ने ग्लोरीफाई किया मॉरलिज्म, एम्पेरिसिज्म और मॉरलिज्म को, निगलेक्ट किए इमोशंस और इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी, क्योंकि पढ़ तो आप बेसिकली सोसाइटी रहे हो ना, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीटर बर्जर ने कहा कि accuses him of doing injustice to the discipline by ignoring individual human behavior। सोशल फैक्ट को ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की सोशल फैक्ट इन्फ्लुएंस क्यों करता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंटली। अगर आप सुसाइड की एग्जाम्पल में पॉपुलेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें या जोग्राफी, ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, तो फिर वो सारे जो फैक्टर्स हैं, अगर हम किसी सोशल फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं सोशल फैक्ट के ही कॉज से, ठीक है। सुसाइड एक सोशल फैक्ट है जिसके कॉजेज ये सारी चीज़ें, ये भी सोशल फैक्ट है, तो वो डिफरेंटली क्यों इफेक्ट करता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को। तो इसका तो मतलब ये हुआ ना, उस सेम पॉपुलेशन के लोग जो है वो सारे सुसाइड करें, पर ऐसा नहीं होता ना, कुछ लोग सिर्फ सुसाइड कर रहे हैं, तो वो जो कॉज आप बता रहे हो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंटली क्यों इम्पैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सब्जेक्टिविटी वाली चीज़ें आ जाएंगी, तो उसको इन्होंने नज़रअंदाज किया था। और वेबर ने कहा था कि सोशल फैक्ट्स जो हैं दे डोंट एग्जिस्ट एज थिंग्स इन देयर ओन राइट वेटिंग टू बी गैदर्ड लाइक पेबल्स ऑन द बीच, ठीक है। सोशल फैक्ट जो है वो इनसाइड एन इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं, और देयर इन्फ्लुएंस इज ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोशल फैक्ट। अगेन इन दो चीज़ों को 5th और 6th पॉइंट को आप रिलेट कर सकते हो कि अगर उन्होंने कॉज भी सोशल फैक्ट बताया सुसाइड का, तो ये वही हुआ ना कि इंडिविजुअल्स, हर इंडिविजुअल को सेम कंडीशन मिल रही है, सेम सोशल फैक्ट्स मिल रहे हैं एज अ कॉज, लेकिन वो उनको डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसीलिए उसका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ रहा है। कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। In a nutshell, instead of purely macro perspective, एक micro view is required in understanding of society. ठीक है, I hope I am clear. तो नेक्स्ट वीडियो में हम ड्यूअल दैट इज योर डिविजन ऑफ लेबर्स को डिस्कस करेंगे. तो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक द वीडियो. Until the time I upload next video, bye-bye. Take care. Have a great day.